यहाँ पे जो भी गायें हैं उन सभी को यहाँ ग्रामीणों द्वारा क्या व्यवस्था की है? क्या क्या पूरा तिरपाल, खाना पीना, पानी जी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो है गायों की सेवा की जा रही है, तो क्या लगता है विभाग से और क्या होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी? यहाँ से शिफ्टिंग होना चाहिए जानवर इलाज करने के बाद जी। बड़ी गाय और 20 छोटा बच्चा था। प्रशासन ने कोई इंतजाम किया? प्रशासन शुरू दिन आया, उसके बाद प्रशासन का व्यवस्था यहाँ जीरो के बराबर। तो गायों को ले जाने की उसने कोई व्यवस्था नहीं की? गाय को ले जाने के लिए जो मर गई गाय उसको फेंकवा दिए जेसीबी से। कितनी गायें मर चुकी हैं? करीब 3 से 4 गाय। आपने जानकारी दी थी प्रशासन या किसी अधिकारी को? यहाँ पर तो शुरू दिन तो प्रशासन नहीं भी किए थे, तो उनको जानकारी मिल ही गया, फिर दोबारा कौन उनको फोन करता है। तो आप लोगों ने फिर गायों के लिए क्या सेवा की, क्या व्यवस्था? हम लोग खाना चारा पानी सब कुछ देखभाल कर रहे हैं। तिरपाल लगाए हुए हैं, यही सब तिरपाल लगा करके ये रोड पर खुले में है सर, ये सब हम लोग ग्रामीण मिलकर देखभाल कर रहे हैं। उस आए रात्रि में पकड़ी गए थे सर, उसके प्राथमिक उपचार के लिए क्या किया जा रहा है? हम लोग को सूचना मिली थी बृहस्पतिवार को रात में है ना 12:30 बजे कि यहाँ पे एक बुलेरो पिकअप गाय पकड़ाया है, जिसकी जानकारी आप ही लोग के मीडिया के द्वारा दिया गया था। रात में उसका प्राथमिक उपचार किया गया, उसका लगातार हर दिन उसका उपचार किया जाता है, जो हम लोग से यथासंभव है, जो वेटनरी के द्वारा दवाई दी जाती है सारी मुफ्त में दी जा रही है। अस्थायी रहने की व्यवस्था के लिए सर क्या उपाय किया जा रहा है? अस्थायी रहने के लिए व्यवस्था के लिए इसको गौशाला में शिफ्ट कराना होगा है ना, तो गौशाला वाले से बात करके आप लोगों को वहाँ ले जाना होगा है ना जी। तो उसके लिए किसकी पहल करनी होगी सर, कौन इसको ले जाएगा? के अध्यक्ष होते हैं SDM साहब है ना, SDM साहब से ही बात करी, हम भी अपने उच्च अधिकारी से बात की है, इन लोगों को गाय को वहाँ गौशाला में रखा जाए ताकि समुचित उपचार और समुचित इन लोगों को खाना और देखभाल किया जा सके जी। और एक एक कर सर गाय मर रही है। देखिए भाई है ना, ये देखिए जैसा देख रहे हैं रोड के किनारे है गाय रखा हुआ है ना जी सर, प्रॉपर उपचार की और इसको खाना पीना हमेशा जरूरत पड़ेगा है ना, आदमी की जरूरत पड़ेगी। और गाय जो अनहाइजीनिक तरह से ले जा रहा था, एक के ऊपर एक लदा हुआ था, जिसकी वजह से ये गाय बैठ गई है, उठने में असक्षम है, तो इन लोगों को अभी समुचित उपचार किया जा रहा है, उपचार करने के बाद देखते हैं क्या होता है। कितनी गाय सर थी जो जिनका उपचार किया जा रहा है सर? 4 गायें हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। अभी तो चल रहा है, पहले तो और ज्यादा था। अब क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार जी। गाय को फेंक दिया गया है 3 से 4 दिन से। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों? परेशानी के सर के बदबू दे रहे घर के पास में, प्रशासन कोई देखने के लिए प्रशासन से नहीं पार लग रहे, तो बोले हम ही लोग चंदा करके कर देते हैं। आप लोग पास में बदबू दे रही है? खाना पीना चारा सब गाय को दे रहे हैं? हाँ, हम ही लोग दे रहे हैं। और ये आपका मिल है और इसके पास हाँ, ये मरा पड़ा है, कस्टमर का दिक्कत हो रहा है, फिर हमको लोग यहाँ आना नहीं चाहते? नहीं नहीं, महत्व नहीं है यहाँ पर, रखने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारे गौशाला में तो उतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन पटना सिटी में जो है श्रीकृष्ण गौशाला है, वहाँ अनुपयोगी लाचार गाय को रखने की व्यवस्था है। अगर कोई वहाँ ले जाने के लिए सक्षम हो तो हम वहाँ का भाड़ा वहन करेंगे। अच्छा, क्योंकि पशुपालन पदाधिकारी का कहना है कि मतलब वहाँ रखने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन यहाँ से भेजने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और उनका जो यहाँ का ट्रक भाड़ा लगेगा हम देंगे, वहाँ भेजवा दिए। अपना नाम? नवीन कुमार सचिव, श्री गोपाल गौशाला।